नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का टॉपिक जिसका नाम है कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट, या फिर हम इसको सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में आपका ये टॉपिक ज़रूर होगा दोस्तों। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। तो कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कौटिल्य की। तो कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी बड़ी ही फेमस उनके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने अपने थ्योरी ऑफ स्टेट को बता रखा है, मतलब कौटिल्य ने राज्य का सिद्धांत बता रखा है कि एक बेहतर राज्य किस तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट या सप्तांगी थ्योरी ऑफ स्टेट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की दोस्तों। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ द स्टेट, कि राज्य का नेचर कैसा होना चाहिए। राज्य के नेचर की दोस्तों बात करें तो पुराने टाइम पे या तो स्टेट एनार्की हुआ करती थी, जहां पर कोई भी राजतंत्र या फिर कोई भी सरकार ना हो, या फिर मोनार्की हुआ करती थी, क्योंकि एंशियंट टाइम पे ज़्यादातर जो स्टेट्स थी वो मोनार्की स्टेट थी, जहां पर राजशाही या फिर राजतंत्र चलता था। तो कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट भी मोनार्की के ऊपर काफ़ी हद तक बेस्ड है दोस्तों। और कौटिल्य का मानना है कि राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपना 1/6 ऑफ द ग्रेन्स, मतलब 1/6 भाग अपनी फसल का, या फिर 1/10 ऑफ द मर्चेंडाइज, मतलब जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो अपना 1/6 भाग राजा को देंगे टैक्स के रूप में, और जो व्यापार करते हैं वो 1/10 भाग अपना व्यापार का जो है टैक्स के रूप में राजा को पे करेंगे दोस्तों। और ये जो टैक्सेस हुआ करते थे राजा को जो मिलेंगे, इस टैक्सेस का काम राजा को पूरी तरीके से प्रजा को और राज्य को सुरक्षा करने में जाता था दोस्तों। जब भी राज्य के ऊपर कोई इमरजेंसी आती थी, जब भी सुरक्षा के ऊपर बात आती थी, तो इसी टैक्स का इस्तेमाल करके राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान कर सके दोस्तों। तो ये कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट में नेचर ऑफ स्टेट था कि किस तरीके से नेचर होती है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। कौटिल्य ने अपनी थ्योरी के अंदर 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता रखे हैं राज्यों के। सबसे पहले बात करते हैं उन 7 एलिमेंट्स की। उन 7 एलिमेंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 7 एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला एलिमेंट है स्वामी। स्वामी का मतलब है द रूलर। दूसरा एलिमेंट है अमर्त्य। अमर्त्य का मतलब है द मिनिस्टर्स। जनपद तीसरा एलिमेंट है और इसका मतलब है द पॉपुलेशन। चौथा है दुर्ग। दुर्ग का मतलब है द फोर्टिफाइड कैपिटल। कोष, कोष का मतलब है धन, द ट्रेजरी। और दंड, दंड का मतलब यहाँ पर है द आर्मी। और दोस्तों आखिरी है मित्र। मित्र का मतलब है एलाई और या फिर दोस्त हमारे। तो ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं दोस्तों जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वामी की दोस्तों। स्वामी का मतलब है द रूलर, द किंग, द मोनार्क। जो राजा हुआ करता था दोस्तों, वो कौटिल्य के हिसाब से जो राज्य हुआ करता था, सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी स्वामी की, रूलर की। और राजा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि जो मोनार्क है वो ब्रेव होना चाहिए, पूरी तरीके से वेल लर्न होना चाहिए, क्योंकि राज्य के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी राज्य के बिजनेस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजा के द्वारा ही लीड की जाती थी। तो राजा का होशियार होना, राजा का समझदार होना, पढ़ा लिखा होना और ब्रेव होना पूरी तरीके से ज़रूरी है दोस्तों। और राजा की ये जिम्मेदारी थी कि वो मुसीबत के समय पूरी तरीके से अपने राज्य की सुरक्षा करे, और जितने भी उसके राज्य के लोग हैं वो सभी अपनी प्रजा को अपने चिल्ड्रन की तरह, अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान रखे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की। दूसरा एलिमेंट है अमर्त्य। अमर्त्य की बात करें दोस्तों तो उसका मतलब है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्य के डे टू डे अफेयर्स में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी समस्याएं होती थी उनको सॉल्व करने में अमर्त्य, मतलब मिनिस्टर्स का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता था। चाहे वो राज्य के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे राज्य के वेलफेयर की बात हो, चाहे टैक्स कलेक्शन की बात हो, अमर्त्य मिनिस्टर्स का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। और इसलिए ज़रूरी था कि अमर्त्य का पढ़ा लिखा होना या समझदार होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इवन राजा से भी ज़्यादा ज़रूरी अमर्त्य का पढ़ा लिखा होना है दोस्तों। तो ये काम था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, अमर्त्य का। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की।
तो तीसरा एलिमेंट था द जनपद। जनपद का यहाँ पर दोस्तों मतलब है वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ की जमीन। सबसे पहले बात करते हैं टेरिटरी की, तो जमीन की बात की जाए दोस्तों तो जमीन सबसे जरूरी है। किसी भी राज्य की जमीन जो टेरिटरी है वो पूरी तरीके से फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, और जमीन के ऊपर एबंडेंस ऑफ द फॉरेस्ट रिवर्स एंड माउंटेन्स, वहाँ पर नदियाँ भी होनी चाहिए और माउंटेन्स भी होने चाहिए, पहाड़ भी होने चाहिए जो पूरी तरीके से राज्य के लिए उनके डेवलपमेंट में काम आए दोस्तों। और बात करें अगर पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन सबसे ज़रूरी है, इट शुड बी द लॉयल टू द किंग और द मदरलैंड, वो अपने राज्य के प्रति और अपने राजा के प्रति पूरी तरीके से वफादार हो और पूरी तरीके से टैक्स टाइम टू टाइम पे करती हो, कोई भी टैक्स के अंदर चोरी ना करे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने मदरलैंड के लिए कभी भी लड़ने के लिए सभी लोग पूरी तरीके से दोस्तों तैयार रहें। तो ये था दोस्तों जनपद। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे एलिमेंट की। चौथा एलिमेंट था द दुर्ग। दुर्ग का मतलब दोस्तों क्या है, द फोर्टिफाइड कैपिटल, या आप समझ सकते हो जितने भी फोर्ट्स थे, जितने भी किले थे, उन सब का निर्माण करना दोस्तों। कौटिल्य के हिसाब से किलों बनाने की या फिर फोर्ट्स बनाने का भी एक महत्वपूर्ण अंग था राज्यों का दोस्तों। किस तरीके से महत्वपूर्ण पार्ट था, आप समझ सकते हो कि जितने भी किले थे राज्य के अंदर, किलों का, फोर्ट्स का बनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ज़रूरी क्यों था, दो तरीके से ज़रूरी था। सबसे पहले तो जितने भी लोग थे या जितने भी सोल्जर्स थे अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए और राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरा काम था स्टोर हाउस ऑफ द फूड ग्रेन्स। किलों के अंदर दोस्तों जितने भी अनाज हुआ करता था फोर्ट्स के अंदर ही रखा जाता था, और जब भी इमरजेंसी का टाइम आता था उनके दरवाजे खोल दिए जाते थे और राज्य में उन ग्रेन्स को बांट दिया जाता था दोस्तों। तो फोर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, और फोर्ट्स को भी दोस्तों किसी भी राज्य के अंदर सफिशिएंट फोर्ट्स होने चाहिए, और वह फोर्ट्स भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के हिसाब से बने होने चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी किले हैं वो रणनीति के हिसाब से और राज्य के डिफेंस के पॉलिसी के हिसाब से उन किलों को बनाया जाना चाहिए। इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी राजा के ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी, ऐसे टाइम पे हमेशा राजा जो है उन फोर्ट्स का यूज करके अपनी जान को बचा लिया करता था। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवे एलिमेंट की। पांचवा एलिमेंट है दोस्तों द कोष। कोष का मतलब है द ट्रेजरी या खजाना। खजाना या पैसा किसी भी राज्य को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पैसों के कोई भी राज्य को चलाना लगभग इम्पॉसिबल है, और जो ट्रेजरी है वो पूरी तरीके से भरपूर होनी चाहिए किसी राजा के पास, और उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, या जितने भी सोल्जर्स हैं, उन सभी को पेमेंट करने के लिए, उनकी सैलरी देने के लिए कोष का काम आता था दोस्तों। और कोष को बढ़ाने के मेजरली दो तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका था या तो राज्य के लोगों पर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, और दूसरा तरीका था दूसरे राज्य की, किसी भी दूसरे राज्य के खजाने के ऊपर हमला करना। ये देखा जाता था पहले, कोई भी राजा जब दूसरे राजा के ऊपर हमला करता था तो सबसे पहला जो हमला या उसकी नज़र हुआ करती थी वो दूसरे राज्य के खजाने पर हुआ करती थी। तो ये तरीके थे ट्रेजरी को बढ़ाने की दोस्तों। अब बात करते हैं छठे एलिमेंट की दोस्तों। छठा एलिमेंट है हमारा द दंड। दंड का मतलब है द आर्मी। आर्मी की बात करें दोस्तों, किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए आर्मी का एक बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रोल है। और आर्मी की बात करें दोस्तों तो वो एक लार्ज आर्मी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड एंड वेल ट्रेन्ड मिलिट्री होनी चाहिए किसी भी देश की, जिसकी सुरक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और कौटिल्य का मानना था दोस्तों कि जितने भी सोल्जर्स हैं उनको मोस्टली उन्हीं फैमिली से भर्ती किया जाना चाहिए, उन्हीं फैमिली से इंक्लूड किया जाना चाहिए जिनके फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी या ट्रेडिशनली मिलिट्री से बिलोंग करते हों। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी एलिमेंट की। आखिरी एलिमेंट है मित्र। मित्र का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पर एलाइज और फ्रेंड, मतलब जो साथी हुआ करते थे और जो उनके दोस्त हुआ करते थे। इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था किसी भी एक राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट रोल था, किसी भी राजा को कौटिल्य के अनुसार ट्रेडिशनल फ्रेंड्स को मेंटेन करना चाहिए, जितने भी उसके पूर्वजों के टाइम से दोस्ती चलती हुई आ रही है राजा महाराजाओं की, उसको मेंटेन करना चाहिए। और दोस्ती का, फ्रेंड्स का, एलाइज का दो पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। पहला था डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फॉरेन इन्वेजन के वक्त अगर किसी एक राज्य के पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध है तो हमेशा उसके पड़ोसी राज्य उसके डिफेंस में हमेशा तैयार रहते थे, या कभी भी फॉरेन इन्वेजन में उसका साथ देते थे। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था
ट्रेड का दोस्तों, अगर आपके पड़ोसियों के साथ या ज़्यादा देशों के साथ बेहतर संबंध है तो आप उनसे व्यापार भी कर सकते हैं, और व्यापार किसी भी देश की तरक्की करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट कौटिल्य के हिसाब से। अब बात करते हैं फाइनली इसके ओवरव्यू की। ओवरव्यू की बात करें दोस्तों तो कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से राज्य के बारे में सिद्धांत दे रखे हैं, अलग अलग सिद्धांत बता रखे हैं, काफ़ी डिटेल में बता रखा है कि एक बेहतर राज्य बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और जो अर्थशास्त्र बुक है, जो उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर भी पूरी तरीके से सटीक बैठते हैं दोस्तों। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।